इस घाट पर आचार्य जी ये तीन मूर्तियां हैं और इनको देखकर एक जिज्ञासा उठ रही है। जो देवी की मूर्ति है ये इतनी बड़ी है, और जब हम ऋषि की मूर्ति देखते हैं तो उनके सामने बड़ी छोटी मालूम होती है। देवी ऋषि से बड़ी है, ये बात तो फिर भी एक बार को चलिए कैसे समझ में आ जाती है। अब जब इधर मुड़ेंगे तो देखेंगे कि देवी शिवजी की मूर्ति से भी 3 गुना बड़ी है। शिवजी तो देवादि देव महादेव हैं, उनका कद तो सबसे ऊंचा है। ये देवी कैसे? तो इसमें तुम्हें क्या अचरज क्या लग रहा है? एक मूर्ति का आकार बड़ा है, दो मूर्तियों का आकार छोटा है, इसमें अचरज क्यों लग रहा है? पहले इस पर गौर करो। क्योंकि हमेशा से जब हम राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी वाली फोटो देखते हैं तो उसमें अप फ्रंट तो राम जी होते हैं मेन, फिर सीता जी होती हैं, फिर लक्ष्मण जी होते हैं, फिर सेवक क्यों हनुमान जी। मध्य में तो सीता जी होती हैं कई बार। और जैसे शिव पार्वती, तो ऐसा लगता है ना कि जो देवियां हैं वो देवताओं से थोड़ा सेकंड है, पीछे हैं वो तो साइज तुम्हें में भी। अचरज इसी धारणा के कारण लग रहा है हाँ, ना अब कि नॉर्मल है, ऐसा नहीं दिखता। नहीं, एबनॉर्मल नहीं है, तुम्हारे मन में ये धारणा बैठ गई है कि भारतीय परंपरा में या मिथोलॉजी में देवियों को, बल्कि महिलाओं को और स्त्रियों को नीचे का स्थान दिया गया है। तो उस धारणा की तुलना में, उस धारणा के कारण अब जब तुम यहाँ पर देख रहे हो कि देवी की प्रतिमा ऋषि की प्रतिमा से भी तिगुनी है, और यहाँ तक कि शिव जी की शिव की प्रतिमा से भी दूनी तिगुनी है, तो तुमको ताज्जुब हो रहा है। वरना इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। हमारे भीतर हमारी शिक्षा ने और हमारी मीडिया ने और पुरानी रूढ़ियों ने भी, इन सब ने मिलकर के भारत के बारे में, भारतीय धर्म के बारे में बड़ी विकृत धारणाएं बैठा दी हैं। हमें कोई ताज्जुब नहीं होता अगर हमें दिखाई देता कि देवता की मूर्ति बहुत बड़ी है और उनके इर्द गिर्द 5 देवियां हैं और वो सभी देवियों की मूर्तियां छोटी छोटी हैं, तो हमें कोई ताज्जुब नहीं और होता। वो उनकी सेवा में रहते हैं। हाँ, और देवियां देवता की सेवा में रत हैं, ये सब देख के हमें बिल्कुल भी अचरज नहीं होता। लेकिन अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि देवी विशाल आकार लिए हुए हैं, और आकार जो है एक तरह से महत्व का सूचक है। यहाँ पे आकार जो है वो इम्पोर्टेंस के लिए प्रॉक्सी है ना? तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना महत्व देवी का कैसे हो सकता है। क्यों नहीं समझ में आ रहा? वही, क्योंकि मन में हमारे उल्टी बात एक डाल दी गई है। देखो, भारत में, मैं भारतीय अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, लिंग नहीं प्रधान रहा है। वास्तव में अध्यात्म जब भी सच्चा होगा, चाहे वो भारत से उठे, कहीं से भी उठे, किसी भी देश, किसी भी जगह, किसी भी काल से उठे, उसमें लिंग को बहुत महत्व दिया ही नहीं जा सकता। असली बात तो चेतना की है। तुम्हारी चेतना में ऊंचाई होनी चाहिए, दैवीयता होनी चाहिए। वो दैवीयता स्त्री में भी उतरनी चाहिए, पुरुष में भी उतरनी चाहिए, और दोनों को समान रूप से जरूरत है उस दैवीयता की। भाई, रोती औरत भी है, रोता आदमी भी है ना। कष्ट में स्त्री भी रहती है, पुरुष भी रहता है। तड़प किस जीव के मन में नहीं है? मनुष्य में महिला और पुरुष होते हैं, उनमें तड़प होती है। यहाँ तक कि जो बाकी सब जीव जंतु हैं उनमें भी तड़प होती है। तो जब तड़प सब में है तो दैवीय चेतना भी सबको चाहिए ना, और दैवीय चेतना से मेरा
मतलब कोई मंबो जंबो झाड़ फूक जंतर मंतर नहीं, दैवीय चेतना से मेरा मतलब है एक साफ सुथरी ऊंची चेतना। वो सबको चाहिए, चूंकि वो सबको चाहिए इसीलिए सब उसके अधिकारी हैं। हाँ, आप अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं वो बिल्कुल अलग बात है। एक तो आदमी को, औरत को, सबको उस दैवीयता की ज़रूरत है। तो कभी स्त्री उस दैवीयता को पाती है, कभी स्त्री में वो दैवीयता उतरती है, कभी पुरुष पाता है। अगर स्त्री में वो दैवीयता उतरती है तो तुम स्त्री को पूजोगे। अगर स्त्री का पूजन कर रहे हो तो उसके शरीर का थोड़ी पूजन कर रहे हो, शरीर तुम्हारे पास भी है। शरीर को ही पूजना है तो अपने ही शरीर को पूज लो। तो जब आप देवी की आराधना कर रहे हो या नमन कर रहे हो देवी को, तो वास्तव में देवी के भीतर जो दैवीयता है, जो चेतना की ऊंचाई है, आप उसको नमन कर रहे हो ना। इसी तरीके से जब आप पुरुष को नमन कर रहे हो तो पुरुष के भीतर जो दैवीयता है आप उसको नमन कर रहे हो, वरना पुरुष के शरीर में क्या खास है? शरीर में तो किसी का कुछ खास नहीं होता। तो ये तो बहुत फिर तुम्हें प्रकट सी और स्वाभाविक सी बात लगनी चाहिए कि पूजा की अधिकारी, पूजने के काबिल स्त्री भी है पुरुष भी है। कौन सी स्त्री है? हाँ, जिसने, हाँ, जिसने प्रण करके, संकल्प करके, कोशिश करके अपने मन को, अपने जीवन को साफ सुथरा बनाया है, अपने मन को जो हमारे सब जन्मगत दोष होते हैं उनसे आज़ाद किया है, ऐसी स्त्री बिल्कुल अधिकारी है कि उसके सामने सर झुका दो, उसे सीखो। और ऐसा ही अगर कोई पुरुष है तो उससे भी सीखो, उसके सामने भी झुको। भाई तुमको जानना है, सीखना है। जानने को, सीखने को तुमको महिला से मिलता है तो महिला से सीखोगे, पुरुष से मिलता है तो पुरुष से सीखोगे। इतनी साफ सुथरी सीधी बात है। इसमें तुमको ताज्जुब कहाँ हो रहा था, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर देवी को इस लायक माना गया है कि उनका महत्व बहुत बहुत रहे। तो देखो, देवी को बेशक बेरोक टोक इतना ऊंचा आकार दे दिया गया, कहीं पर महादेव को बहुत ऊंचा आकार दे दिया जाता है, ठीक है। शाक्त समुदाय ही है जो शक्ति की उपासना करता है सिर्फ, उनके लिए सबसे ऊपर कौन है? शक्ति। और फिर उन्हीं से संबंधित शैव समुदाय है जो शिव की उपासना करते हैं, उनके लिए सबसे ऊपर कौन है? शिव है। अब बात वास्तव में शिव और शक्ति के माध्यम से तुम्हारी चेतना की है। जहां कहीं से तुम्हारी चेतना को उठने का जरिया मिले, रास्ता मिले, तुम वो रास्ता पकड़ लो। बात खत्म। तो जो इन मूर्तियों का आकार है ये सूचक है इनकी चेतना की ऊंचाई का। और ऋषि इसीलिए हैं क्योंकि उनको सही जगह पर प्रणाम करना आता है। देखो ऋषि को, वो माता के सामने, देवी के सामने बिल्कुल अभी कैसे नमित है। ऋषि, थोड़ा डाइग्रेशन है, पर ऋषि के सामने शिवजी भी हैं पर वो उनको इग्नोर मार के, नहीं इग्नोर नहीं कर रहे हैं, शिव को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। शिव का ही शिवत्व तो अभी उनको शक्ति में दिखाई दे रहा है और वो उसी को प्रणाम, वो उसी को प्रणाम कर रहे हैं। तो जब वो शक्ति को या देवी को या गंगा को भी प्रणाम कर रहे हैं तो वास्तव में वो शिवत्व को ही प्रणाम कर रहे हो। शिवत्व का कोई लिंग नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि उनके सामने विकल्प है कि शिव हैं और शक्ति हैं तो उन्होंने शक्ति को चुन लिया है, और तुम्हारी भाषा में कहें तो शिव को इग्नोर कर दिया है, नहीं शिव की उपेक्षा नहीं कर दी है। शिवत्व उनको इस समय दिख रहा है शक्ति में, तो इसलिए वो शक्ति के सामने नमित हैं।
जैसा हमें सीरियल्स जो आते थे देवी देवताओं के उसमें दिखाते, तो शिव जी को भी क्रोध नहीं आएगा कि हे ऋषि तू मुझे नहीं पूज रहा? शिव कोई किसी कहानी के किरदार के पात्र थोड़े ही हैं, शिव कोई व्यक्ति या कोई इकाई थोड़े ही है जो कहीं कैलाश पर बैठ करके योग कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं। हाँ, शिव को लेकर के आज इस तरह की बहुत कहानियाँ फैला दी गई हैं। शिव का अर्थ जानना है तो ऋभु गीता के पास जाएं, शिव गीता के पास जाएं, जो मौलिक ग्रंथ हैं उनके पास जाएं। शिव जी तो वही है, परम ब्रह्म का ही दूसरा नाम शिव है। वो सब जो है एक नंदी और ये सब तो इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए प्रतीक बना लिए हैं। तो कोई व्यक्ति नहीं थे जो पहाड़ पर? हर व्यक्ति में फिर व्यक्ति वाले गुण होंगे, व्यक्ति वाले विकार होंगे। व्यक्ति का मतलब ही है प्रकृति का उत्पाद। शिव प्रकृति से ऊपर है, वो प्रकृति का उत्पाद कैसे हो सकते हैं? हर व्यक्ति तो प्रकृति से आया है ना, वो प्रकृति का निर्माण है। शिव प्रकृति के पितामह है, तो शिव व्यक्ति थोड़े ही है। शिव को व्यक्ति बनाना तो ना समझो कि एक तरह से मजबूरी होती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि कोई निर्गुण निराकार कैसे हो सकता है, कि कोई प्रकृति के पार कैसे हो सकता है। तो फिर उनके हत्थे जो भी चढ़ता है उसको इंसान ही बना देते हैं और उसको किसी जगह बैठा देते हैं, उसके बच्चे बच्चे बना देंगे, उसका वाहन बना देंगे, उसकी पत्नी बना देंगे, उसको भी दिखा देंगे कि क्रोध में है, कभी रुष्ट है, कभी दुखी है, कभी प्रसन्न हो गया, कभी। ये सब तो हमारी कहानियाँ हैं। शिवत्व का वास्तविक अर्थ होता है सत्य। शिवत्व का वास्तविक अर्थ है आत्मा। ब्रह्म का ही दूसरा नाम शिव है, सत्यम शिवम, सत्य का ही दूसरा नाम शिव है। आचार्य जी, इस पूरे सिनेरियो में एविडेंटली अगर बहुत सुपरफिशियली देखा जाए तो एविडेंटली ये दिख रहा है कि एक देवी है जो महिला है और दो पुरुष लिंग है, पर जिस तरीके से आप विवेचना कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं कि यहाँ पर टू मेल्स वन फीमेल वाली कोई नहीं, बात ही कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर ये जो आकार है ये चेतनाओं के आकार है। और मैं कह रहा हूँ कि महिला व्यक्ति भी, महिला का शरीर भी चेतना की ऊंचाई को पाने में उतना ही सक्षम है और उतना ही अधिकारी है जितना पुरुष का शरीर। तो इसमें तुम्हें कोई कभी भी अचरज नहीं होना चाहिए अगर तुम किसी महिला को चेतना की ऊंचाइयों पर पाओ। क्योंकि समझो, अगर महिला दुख अनुभव कर सकती है तो वो भी दुख से मुक्ति की उतनी ही अधिकारी हुई जितना कि पुरुष। भाई मुक्ति किसको चाहिए? जो दुख में है, जो बंधन में है। बंधन में तो महिला भी है, तो माने मुक्ति उसके लिए भी है, वरना तो अजीब बात हो जाएगी। बंधन है पर मुक्ति नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो जो लिंग भेद जो यहाँ पे एकदम एविडेंट था उसको हमने नलिफाई कर दिया कि वो कोई कुछ कोई मार्क वो लिंग भेद, देखो तुम्हारे दिमाग में उन लोगों के कारण आ रहा है जो अध्यात्म समझते ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही लोगों ने ज्यादातर हमारी पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं, जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जा रही हैं, ऐसे ही लोग इतिहास लिख रहे हैं, और ऐसे ही लोग खेद की बात है कि अध्यात्म की विवेचना का भी अधिकार खुद को दे देते हैं। तो उनके कारण ये सब झूठी मान्यताएं चली जाती। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय समुदायों में स्त्रियों का शोषण वगैरह कभी नहीं हुआ, पर वो शोषण धर्म ने नहीं करवाया है, वो शोषण इंसान की जन्मगत वृत्ति करवाती है उससे। हम ये भूल ही जाते हैं कि हम पैदा ही कितने दोष और कितने विकार के साथ होते हैं। हम पैदा ही एक शोषक के रूप में होते हैं। अध्यात्म का काम होता है हमारे भीतर वो जो पशु बैठा है, जो जन्म से ही बैठा है, उस पशु को सीधा करना, शांत करना, उसे मानव बनाना। लेकिन धर्म हमारे कितने काम आ सकता है वो इस पे निर्भर करता है कि हम धर्म के सामने समर्पण कितना करते हैं। अब आप धर्म की उपेक्षा करो, अनादर करो और अपने भीतर के जानवर को प्रोत्साहित करते रहो, और फिर जब आप पूरी तरह जानवर हो जाओ तो कहो देखो धर्म किस काम का है। इतना ही नहीं कहो धर्म किस काम का, कह दो कि धर्म के कारण ही तो मैं जानवर बना हूं। नहीं, तुम धर्म के कारण जानवर नहीं बने, तुम पैदा ही जानवर हुए थे। धर्म तुम्हें बचा सकता था अगर तुमने धर्म का पालन किया होता, लेकिन बिल्कुल उल्टी गंगा बही जा रही है।
यहाँ जो हो रहा है ना, वो साधारण जो हमारा वेस्टर्न या लिबरल थॉट है उसकी समझ में नहीं आएगा। अभी देवी के चेहरे पर जो भाव है उसको देखो, क्या ये प्रसन्नता का भाव है? नहीं, ये प्रसन्नता का भाव नहीं है। क्या ये दुख का भाव है? नहीं, ये दुख का भाव नहीं है। क्या वो कंटेम्पलेटिव है? नहीं, वो कंटेम्पलेटिव भी नहीं है। क्या वो जगत के प्रति इस वक्त उपेक्षा भाव में है, उदासीन है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये चीज अलग है। पश्चिमी विचार से प्रभावित लोग भारतीय दर्शन और भारतीय अध्यात्म को भी पश्चिम की दृष्टि से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे पढ़ा जा नहीं रहा है, फिर भी उनमें अहंकार इतना है कि वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पढ़ भी लिया और दूसरों को पढ़ाई भी दे रहे हैं। जिन्होंने खुद नहीं पढ़ा, जिन्हें खुद नहीं बात समझ में आ रही, वो किताबें भी लिख रहे हैं और दूसरों को भी पढ़ा रहे हैं और सबको भ्रमित कर रहे हैं। फिर दो तरह के लोगों ने अध्यात्म का बहुत नुकसान किया है। एक वो जिन्होंने अध्यात्म का विरोध करा है ये कह के कि अध्यात्म अंधविश्वास है, इसमें बहुत सारे लिबरल्स आ जाते हैं, और दूसरे वो जो अध्यात्म का समर्थन करते हैं अध्यात्म को अंधविश्वास ही बना करके, इसमें ज़्यादातर धार्मिक लोग, गुरु और महागुरु और इस तरह के लोग आ जाते हैं। ये कहने को तो अध्यात्म के पक्ष के होते हैं, ये कहने को तो ये दिखाते हैं कि हम धर्म के पक्षधर हैं, पर इनसे ज़्यादा धर्म का नुकसान कोई नहीं करता, क्योंकि ये धर्म को बिल्कुल अंधविश्वास के तल पर उतार देते हैं। डिफेंड भी करते हैं रिलीजन को जहाँ पे कुछ, हाँ हाँ, जहाँ कहीं भी कोई अंधविश्वास की बात आएगी ये तुरंत उसका समर्थन करना शुरू कर देंगे ये कह के कि ये तो धर्म की बात है। तो अध्यात्म को दोनों तरफ से चोट पड़ी है, उन लोगों से भी जो कहते हैं कि अध्यात्म माने बेवकूफी की बातें, झूठी मान्यताएं, ब्लाइंड फेथ, और उन लोगों से भी जो अपने आप को तथाकथित रूप से आध्यात्मिक बोलते हैं और धार्मिक बोलते हैं और मिस्टिकल बोलते हैं, लेकिन हैं वो सिर्फ अंधविश्वासी लोग जिनका काम है अंधविश्वास बेचकर किसी तरीके से अपना सिक्का चलाना। आचार्य जी, अभी आपने कहा था कि ऋषि देवी को जब पूज रहे हैं तो वो देवी के अंदर के शिवत्व को पूज रहे हैं, और शिवत्व का कोई लिंग नहीं होता, कोई लिंग नहीं होता। तो अगर आज के समय में मैं ये पा रहा हूँ कि जो शिव भगवान हैं इनको परसोनिफाई किया जा रहा है, इनको एक लिंग, इनको एक कैरेक्टर दिया जा रहा है, इनके बाल बच्चे, इनका परिवार, इनकी कहानी, इन्होंने ये किया, यहाँ रहते थे, ये सब हो रहा है, तो I'm saying at the risk of sounding ridiculous, पर क्या ये असली लिंग भेद नहीं है कि जहाँ पे जेंडर है नहीं आप वहाँ पे? नहीं, वो लिंग भेद कौन कर रहा है? वो लिंग भेद आप कर रहे हो ना, वो लिंग भेद आपसे उपनिषद तो नहीं करवा रहे। हाँ। उपनिषद तो आपको ये बता रहे हैं कि लिंग अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है। आपकी असली पहचान आपकी आत्मा है, आपकी असली पहचान, हाँ, आपकी असली पहचान सत्य है। अध्यात्म में तो जेंडर रिलेवेंस हो जाती है, लेकिन वही जो हमारे भीतर की जन्मजात वृत्तियां होती हैं उन्हें तो शोषण करना है ना, तो वो फिर शोषण करती हैं लिंग के नाम पर।
तो तुम ये मानो तो कि वो शोषण तुम्हारी वृत्ति से आ रहा है, अध्यात्म नहीं तुमसे शोषण करवा रहा, अध्यात्म तो तुम्हें मुक्ति देने के लिए है। हाँ, तुम इतने जबरदस्त आदमी हो कि तुमने अध्यात्म का भी दुरुपयोग कर लिया है शोषण करने के लिए, तो ये अध्यात्म का दुरुपयोग है, ये अध्यात्म ने नहीं किया, तुमने अध्यात्म का दुरुपयोग किया है। शोषण अध्यात्म नहीं सिखा रहा है, तुम शोषण करने के लिए अध्यात्म का दुरुपयोग कर रहे हो, जैसे कि तुम शोषण करने के लिए किसी भी चीज का दुरुपयोग कर लेते हो, और वो जो तुम्हारी शोषण करने की वृत्ति है उससे तुम्हें छुटकारा भी सिर्फ कौन दिलवा सकता है? अध्यात्म, अगर तुम उसका दुरुपयोग ना करो बल्कि सदुपयोग करो। तो जैसे हम खुद को एक लिंग जानते हैं, शरीर भाव में स्थित होते हैं, वैसे ही हम देवी देवताओं को भी आदमी औरत की तरह देखने लग जाते हैं कि हम अपनी बीवी को, हमारे लिए ये सोच पाना ही बड़ा मुश्किल है कि कोई हो सकता है जिसका रूप रंग आकार लिंग कुछ नहीं है। ये बात विचार में आती ही नहीं, विचार से बाहर की है ये बात। अगर आज के आध्यात्मिक गुरु इत्यादि शिव जी को एक आदमी बनाकर पुरुष की तरह या एक स्टोरी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कितना घातक है? बहुत घातक है। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ूंगा, ये ऐसा नहीं है कि आज के आध्यात्मिक गुरुओं ने नया नया शुरू करा, ये सब पौराणिक कथाओं में भी बहुत है। लेकिन बात ये है कि केंद्रीय चीज जो है, जो केंद्रीय तत्व है, वो तो तुम्हें उपनिषदों में मिलेगा। उस केंद्रीय तत्व को अगर तुम समझ लो तो उसके बाद तुम पुराण वगैरह की कहानियों को भी बेहतर समझ पाओगे। पर आपने उपनिषद नहीं पढ़े हैं, आप केंद्रीय जो दर्शन की बात है आप वही नहीं जान रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि धर्म का मतलब होता है इधर उधर की तमाम कहानियाँ, तो फिर आप बहके बहके ही रहेंगे। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये जो अभी तुम्हारे सामने प्रतिमा है, ये तुमको ज्यादा एम्पावर्ड लग रही है या जो पश्चिम में प्रतिमा है एक एम्पावर्ड स्त्री की, जिसमें उसको ये अधिकार है कि वो कितने कम कपड़े पहनेगी, हाँ वो तुमको ज्यादा बेहतर लग रही है? अगर एम्पावरमेंट की ही बात है तो यहाँ तुमको ज्यादा एम्पावरमेंट दिख रहा है, या जो लिबरल इमेज है स्त्री की वो तुम्हें ज्यादा एम्पावर्ड लग रही है? पावर माने जानते हो क्या होता है? शक्ति। भारत ने तो स्त्री को नाम ही शक्ति दिया है, द एम्पावर्ड वन। और मजेदार बात यह है कि ये लिबरल सागर हमको बता रहे हैं कि एम्पावरमेंट कैसे करना है स्त्रियों का। आज की जो सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड महिलाएं भी हैं ना, जो अपने आप को बहुत शौक से कहती हैं कि हम तो लिबरेटेड हैं और वोक हैं, वो इस प्रतिमा के पैरों की धूल जितनी भी नहीं है एम्पावर्ड। मन जब बंधन में ही हो, गुलाम ही हो, तो ये बाहर बाहर का एम्पावरमेंट किस काम का है? एक ग्रेस है, जैसे ड्रेस्ड अप भी हैं, मतलब कोई टेढ़े बात नहीं कर सकता कि ना इधर उधर की बात कर रहे हैं, जोक मार दिया देख के,
यू लुक एट ग्रेस पावर एज वेल एज कंपैशन. पता नहीं ओवर रीड कर रहा हूँ या क्या. जो और दो प्रतिमाएं हैं उनके भाव ऐसे हैं, दे आर इमोटिंग, कुछ ना कुछ है उस चेहरे पर, कुछ एक ब्लैंक प्योरिटी. हाँ, हाँ, एक, एक, एक पूर्ण शुद्धता जिसमें कुछ और नहीं है शुद्धता के अलावा, इसीलिए वहां कुछ नहीं है, ऐसा है चेहरे पर भाव. भाव का जैसे अभाव हो, भाव का आंखें देखो स्थिर शांत. न सुख न दुख न भूत न भविष्य, न पाना न खोना, न आकर्षण न विकर्षण, सहज शांत सौंदर्य. इंटरेस्टिंग चीज है, व्हेन 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 वन लुक्स एट हर यू डोंट फील लाइक सेइंग दैट शी इज अ वुमन. जिसको तुम आमतौर पर स्त्री तो बोलते हो, फेमिनिटी, वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है. यहाँ पर जो सुंदरता है वो लिंग के पार की है. यहाँ वो सुंदरता है जिसको तुम कहते हो सत्यम शिवम सुंदरम. उत्तेजित करने वाली सुंदरता नहीं है, शांत कर देने वाली सुंदरता है. जो सामाजिक जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं उसके एकदम आगे की, उसके आगे की, उसके विपरीत नहीं, उसके आगे की.